सबसे पहले तो ये सुनिए, है ना एकदम कुरकुरे। चावल के ये पापड़ बनाएंगे आज हम प्रेशर कुकर में। बहुत आसान तरीका है, बिना फटे, बिना किसी झंझट और बहुत जल्दी। और फ्राई होने के बाद इनका साइज देखिए, तो ऐसे ही पापड़ बनेंगे आपके भी घर पर। रेसिपी को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमने 1 कप राइस लिए हैं, ये बासमती राइस है। इन पापड़ को बनाने के लिए आप कोई से भी राइस ले सकते हैं। और चावल को पानी से धोने के बाद इन्हें 1 दिन के लिए पानी में भिगोकर रखना है। चावल जितने अच्छे से भीगे होंगे, पापड़ उतने ही अच्छे बनेंगे। अब इनका पानी स्ट्रेन कर लेंगे और चावल को एक बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें 4 कप पानी डाल देंगे। 1 कप चावल के लिए 4 कप पानी डालना है। और अब इसमें ये चावल डालेंगे और इन्हें मिक्स कर लेते हैं एक बार। और इस रेसिपी में हमने चावल के पापड़ बनाते हुए बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है। और अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब इसमें बाकी के कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे, क्योंकि जब राइस बॉइल होंगे ना तो इनका कलर खराब हो जाता है। नमक को भी मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्रेशर कुकर में 6 सीटी दिला लेंगे। और बस 6 सीटी आते ही हम इसके स्टीम को रिलीज होने देंगे। चावल थोड़े से बाहर निकल आए हैं और ये देखिए यहीं पर ड्राई हो चुके हैं। प्रेशर कुकर की स्टीम को निकाल दिया है, ये देखिए चावल बहुत अच्छे से पक जाने चाहिए। गरम गरम चावल को स्पून के पीछे के हिस्से से मैश करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स, करी पत्ता, बारीक कटा हुआ धनिया और ये सफ़ेद तिल लिए हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं। इन मसालों को मिक्स कर लेंगे, जिससे ये जो डो है ये भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और चावल भी बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इन्हें मैश कर लिया है। देखिए चावल अच्छे से पके होंगे तो ये जल्दी से मैश हो जाएगा और ये डो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसे टच कर सकते हैं। अब हाथों की थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस डो पर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसमें से हम एक बड़ी बोल लेंगे, तो जितने बड़े पापड़ बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप बोल लें। और अब इन्हें बनाने के लिए मैं 2 तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इस बोल को प्लास्टिक पर रखेंगे। इस बोल पर ऑयल लगाया है तो मैंने ऑयल और नहीं लगाया है। इसे दूसरे प्लास्टिक से कवर कर देंगे और किसी भी बाहरी चीज से इसे प्रेस कर दें। यहाँ पर ये प्लेट है तो मैंने इसे प्रेस कर दिया। आप चाहें तो रोलिंग बोर्ड से भी इसे प्रेस कर सकते हैं। और अगर पापड़ थोड़ा सा छोटा है तो हाथ से इसे फैला लें और बस प्लास्टिक को हटा देंगे और ये पापड़ बन करके तैयार है। तो जितने बाहरी चीज से इसे प्रेस करेंगे ना, पापड़ उतना ही पतला बनेगा। तो इस तरीके से आप रोलिंग बोर्ड से भी बना सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है, जिससे पापड़ बनाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब ये डो गर्म रहता है तभी हम इसके पापड़ बनाने होते हैं, तो हम एक पाइपिंग बैग लेंगे, उसमें इस डो को फिल कर देंगे और आगे से कट कर देंगे। और जितने बड़े पापड़ बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग डो को निकालते जाएं और नाइफ से कट कर दें। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, जिससे ये पापड़ चिपके नहीं। और दूसरे प्लास्टिक से कवर करके इसे प्रेस कर दें। तो इस तरीके से हमें बोल नहीं बनानी पड़ती और झटपट ये पापड़ बन जाते हैं। और बाकी के सारे पापड़ मैंने इसी तरीके से बनाए हैं, देखिए। इससे बहुत आसान हो जाएगा पापड़ को बनाना। बस ध्यान रखें, बोल के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दे। इन पापड़ को आप जितना मर्जी पतला बनाएं, ये बिल्कुल नहीं फटते हैं। समय ध्यान रखना है कि गरम गरम डो से ही पापड़ बना लेने हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे इन पापड़ को बनाने में। 1 कप चावल से आप बहुत सारे पापड़ बना सकते हैं और बहुत जल्दी। और खाने में ये इतने टेस्टी हैं कि आप हर बार ऐसे ही बनाएंगे। और ये देखिए सभी पापड़ बन करके तैयार हैं। अब इन पापड़ को आप चाहें तो तेज धूप में सुखा सकते हैं। 5 से 6 घंटे की धूप में ये पापड़ ड्राई हो जाएंगे। बस 2 घंटे के बाद इन्हें फ्लिप कर दें या फिर इन्हें फैन के नीचे भी ड्राई कर सकते हैं। तो कैसे भी आप इन पापड़ को ट्राई कीजिए और 1 साल के लिए इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। तो होली के लिए या फिर शाम के स्नैक्स के लिए इन पापड़ को बनाकर देखिएगा। बहुत आसान रेसिपी है। और ये देखिए पापड़ बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और ये सिर्फ 1 कप चावल से बने हैं। एकदम ट्रांसपेरेंट बने हैं। चावल अच्छे से भीगे होंगे और अच्छे से कुक हुए होंगे ना, तो फ्राई होने के बाद डबल से भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ये देखिए। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही और रेसिपीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।